स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपमानित करने की यह साजिश है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आरक्षण के मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर आरक्षण देना हो तो पहले आयोग का गठन करे, वैसा आयोग जो इसकी समीक्षा करे, इसके बाद इस तरह के चुनाव में आरक्षण दे। लेकिन इस सरकार ने बिना सोचे समझे चुनाव की घोषणा कर दी, जिस कारण एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, आपसे हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि जो देश को राज्य को नुकसान करने वाली जो भी बातें हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, आप उसको फलने फूलने मत दीजिए। भारत के नक्शे से कश्मीर को अलग दिखाना यह राष्ट्रीय अपराध है। नीतीश जी आपकी सरकार में, तेजस्वी जी आपके सरकार में इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई करें। यह बहुत ही घोर आपत्ति की बात है, देश और बिहार उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चाहे जितना अपने प्रश्न पत्र में दिखा दे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंग है और पीओके भी हमारा है। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है। इस प्रकार का चरित्र अपनाना वोट के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, लाखों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर माइनस में, 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर में समुद्र की गहराइयों को नापते हैं, तब देश से आप सुरक्षित है और आप उस देश की अखंडता पर पड़ाव कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में आ जा रहा है कि ये कश्मीर भारत का अंग नहीं है, यह इतना बड़ा अपराध है, अक्षम अपराध है और इसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। दिवाली और धनतेरस पर प्रिया सेल्स लेकर आए हैं धमाका ऑफर। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 25% तक की भारी छूट। मोबाइल के साथ ब्रांडेड ईयरफोन्स फ्री। LG LED के साथ होम थिएटर फ्री। हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार, साथ ही फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो सोचना क्या, रश टू मल्टी ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शोरूम।